हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेके आए हैं वो है उड़द दाल की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी होती है और चावल के साथ खाते हैं इसे। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो है देसी घी। ये देसी घी में ही बनाया जाता है। इसके साथ ही हमें इसमें चाहिए उड़द दाल, जिसको हमने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इसको बहुत बारीक नहीं करना है, दरदरा ही पीसेंगे। इसके साथ ही हमने पेस्ट बना के रखा है लहसुन और हरी मिर्च का। इसको हम डालेंगे। अगर किसी को लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसकी जगह हींग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए जीरा, हल्दी हमें एक ही चुटकी चाहिए। अब ये हमने इसमें आयरन की कढ़ाई रख दी है गैस पर। इसमें अगर आपके पास आयरन कढ़ाई है तो इसका यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टेस्टी बनती है। अदरवाइज आप दूसरे पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। देसी घी को हम गर्म होने देंगे, उसमें फिर हम जीरा डाल देते हैं। जीरा हमारा भुनने लगा है, उसके बाद हम ये इसमें ये जो उड़द दाल हमने दरदरी पीसी है इसको डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स, इसको भूनने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ये अच्छी तरह से भुनी होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने भून लिया, 15 मिनट हमारे इसमें लगे हैं। इसमें जब खुशबू आने लगे इसको चलाते रहिए। अब ये भुन गई है, इसमें हम 1 पिंच हल्दी डाल देते हैं। अब भुनने के बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इसे थोड़ी सी आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको चलाते रहिए। इसमें हमने नमक डाल दिया। उबलती हुई दाल में हम लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे। अब इसकी फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उबलने लगी है। इसको 15 से 20 मिनट तक हमने खूब उबालना है और चलाते रहना है बीच बीच में। ये हमारी ये दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आइए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बॉइल्ड राइस के साथ रखा है। आप अगर चाहें तो जीरा राइस भी बना सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी उत्तराखंड में बनाई जाती है। इसको मांस का चेंस कहा जाता है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।